समाजवादी पार्टी में अंसारी बंधुआओं की पार्टी कौमी एकता दल का विलय हो गया है, मगर फिर भी मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली मुख्तार अंसारी के शामिल होने को लेकर संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है। वैसे मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से समाजवादी बन गए हैं, इसका सबूत मुख्तार अंसारी की पार्टी कार्यालय पर जरूर देखने को मिल जाता है। पार्टी कार्यालय में कौमी एकता दल का पोस्टर बैनर हटाकर सपा का बैनर लगा दिया गया है। मुख्तार अंसारी सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसका भी बैनर लटका हुआ है। खैर, इस मामले पर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री नफीस अहमद ने सफाई पेश करते हुए कहा कि कौमी एकता दल का पार्टी में विलय हुआ है, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। मुख्तार अंसारी कहां से? अब ये तो प्रदेश अध्यक्ष ही माननीय नेता जी बताएंगे कि मऊ से कौन लड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब मऊ से वो हमारे प्रत्याशी घोषित हैं तो वही है, आगे कौन लड़ेगा क्या करेगा वो तो नेता जी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवपाल जी ये लोग फैसला। नहीं, कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि मऊ से मुख्तार अंसारी लड़ते हैं, पार्टी सिंबल नहीं देती है उनको, लेकिन अपने कैंडिडेट को बैठा देती है, तो फिर यही होता है कि मुख्तार को शामिल नहीं किया गया। आपसे 3 तारीख के बारे में पूछिए, भविष्य के बारे में क्यों मैं जोशी थोड़ी हूँ? भविष्य नहीं है, भविष्य के बारे में भविष्य नहीं, बस वर्तमान। इतनी पहले कैसे बता सकते हैं हम? और वैसे आपको मालूम है मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में तो है, कौमी एकता दल के बोर्ड लगे हैं, कौमी एकता दल का विलय हुआ है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का मुख्यमंत्री साहब जी के बोर्ड लगा हुआ, अरे आप भी लगवा दो। फिलहाल मुख्तार कहां से है और कैसे लड़ेंगे ये भविष्य की बात है। खैर, सपा और कौमी एकता दल के विलय की खबरों को देखते हुए जनता जरूर संशय की स्थिति में है। बहरहाल मुख्तार अंसारी ने अपनी कौमी एकता दल के कार्यालय पर सारा सिस्टम सपा में कर दिया है। अब देखना यही होगा कि मुख्तार अंसारी को लेकर स्थिति कब तक साफ हो पाती है। नेक्स्ट नए न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।